और अब आपको दिखाते हैं कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या कैसे राममय हो गई है। पूरे धाम को फूलों और रोशनी से सजा दिया गया है। वहीं श्रद्धालु भी खिंचे चले आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां पूजा अनुष्ठान जारी है। अब सुबह सरयू नदी के जल से गर्भगृह को धोया जाएगा। अगले 3 दिनों तक और क्या कुछ होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या उत्साह में डूबी हुई है। लंबे इंतजार के बाद अब राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हर तरफ उल्लास और उमंग है, रंगोली बन रही है, फूलों से द्वार सज रहे हैं, प्रसाद के लड्डू बन रहे हैं, तो कहीं सिक्कों पर राम और राम मंदिर की तस्वीर ढाली जा रही है। अपने राम के स्वागत में जिसको जैसे बन पड़ रहा है अपना योगदान दे रहा। रेत पर उकेरी गई वनवासी राम की ये तस्वीर भी भक्त की ओर से अपने भगवान को भाव की भेंट ही तो है। अवधपुरी आज निहाल हो रही है, वातावरण राम धुनों से गुलजार है। इस पावन धाम में आकर लोग भाव विभोर हो रहे हैं, मानो यहाँ के कण कण में राम समाए हों। दो तीन बार जब मैं आया हूँ तो ऐसा लगता था कि हाँ कुछ कमी है, उजाड़ जैसा लगता था कि मतलब सब खंडर हो गया, कोई नहीं है। गलियों में आप जाओगे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगता था कि कुछ तो है यहाँ जिसकी कमी यहाँ खल रही है, लेकिन इस बार जब आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी जो कमी थी वो हमको वापस मिल गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ऐतिहासिक पावन पल का गवाह बनने देश और दुनिया से हजारों मेहमान आ रहे हैं। उन्हें कोई असुविधा ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। चर्चा है कि पीएम मोदी भी समारोह से एक दिन पहले ही यूपी आएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। नाविकों को लाइफ जैकेट बांटे, सोलर बोट का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर वहां पूजा आरती की। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य से मिले और अयोध्या मंदिर के दर्शन भी किए। पिछले 11 दिनों में तीसरी बार अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने भरोसा दिलाया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सकुशल संपन्न होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ये भरोसा यूं ही नहीं जता रहे। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। बुलेट प्रूफ जीप में सवार यूपीएटीएस के कमांडो किसी भी खतरे से निपटने के लिए चौकस नजर बनाए हुए हैं। इनके अलावा एसपीजी, पीएसी और एसटीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि मेहमानों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। सरयू में सोलर बोट उतारे गए हैं। ठंड से बचाव के लिए जगह जगह आउटडोर हीटर लगाए गए हैं। सभी सुविधाओं से लैस टेंट सिटी बनाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए खास मेडिकल किट बनाए गए हैं।
इन तमाम सुविधाओं और तैयारियों के बीच रामलला की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान हो चुकी है। इसकी पहली झलक भी लोगों के सामने आ गई है। अब बस इंतजार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को सरयू के पवित्र जल से धोया जाएगा। इसके बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास अनुष्ठान किया जाएगा। 21 जनवरी को रामलला के विग्रह को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा। इसके बाद शय्याधिवास अनुष्ठान होगा। 22 जनवरी को यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह रामलला के विग्रह का पूजन होगा और दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में उनका अभिषेक किया जाएगा। वाराणसी के पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह करेंगे। इसके बाद रामलला के मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ समर श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।